पूर्णिया को जैसे किया था, सुसुनिया को जैसे किया था, वैसे ही मैं नेतरहाट के पहाड़ को भी यहाँ पे बाय बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोयला सप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो गाइस, इधर से इधर जा रहा है भरा हुआ और इधर से इधर खाली वाला जा रहा है। 10-15 मिनट हम राइडिंग में कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छा रास्ता निकल के आता है तो। लेकिन जैम वाला रास्ता निकल के आएगा तो उसमें कोई गारंटी नहीं होता कि कब तक हम निकल पाएंगे। जब कोई ये सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि अभी के लिए सबसे ज्यादा कोई इसका है। फाइनली हम जो यहाँ पे जमशेदपुर का सिटी इंस्टॉल कर चुके हैं। टोटो कुकुर चले से सामने फट करे, जल्दी से कवर अप करते, मतलब मेरे से वो नहीं हो रहा, अभी रहा नहीं जा रहा कि जल्दी जल्दी भाई होटल आ जाए और मैं भाई बाइक को छोड़ के थोड़ा सा गर्म जगह पे कहीं पे बैठ जाओ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज ही यहाँ पे हमारा डे 4 और जस्ट नाउ मैं यहाँ पे जो है उठा हूँ। अभी टाइम की बात करें सुबह के 7:30 बज रहा है, अभी बाकी सब लोग सो रहे हैं तो मैं और एक दोस्त उठ चुके हैं। तो मैं सोचा कि ब्लॉग का स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं आज ये सनराइज के साथ। हालांकि हमें इच्छा था ये सनराइज देखने का लेकिन हम देख नहीं पाए। कोयल व्यू पॉइंट में सोचा था कल रात को कि जाएंगे लेकिन इतना ज़्यादा ठंड है, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऊपर से मेरा गला वाला पूरा बैठा हुआ था इसलिए मैं जा ही नहीं पाया। लेकिन अभी जस्ट नाउ मैं यहाँ पे उठ चुका हूँ, उसके बाद रेडी होऊंगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा यहाँ से घर से लग के लिए। लेकिन एक बार यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ आपको, फिर आपसे आगे मिलते हैं। और ये वाला होटल था आप देख सकते हो जिस पे हम रुके थे, कल रात को कुछ मिल ही नहीं रहा था, जो हाथ लगे हमने उठा लिया। इसी होटल में एक रूम खाली था, मतलब वो डॉर्मेट्री रूम जैसा होता है, तो उसमें सारे बंदे हम रह रहे थे। ये साइड में रूम है, ठीक है, इसके अंदर रूम का कंडीशन इतना वो है मैं दिखाऊँगा नहीं आपको, जाने के टाइम पर एक बार दिखा लूँगा। और सामने का व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक खुली सा यहाँ पे एक प्लेस है और इधर की तरफ से हम आए थे, ठीक है, वो वाला जो रास्ता था। कल उस टाइम पे मेरा GoPro में बैटरी ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने कल शूट नहीं किया था। लेकिन सुबह का व्यू देखो कितना औसम यहाँ पे दिख रहा है और सूरज की जो किरणें हैं वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, इससे कितना अच्छा लग रहा है आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रूम के अंदर जितना ठंड लग रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा आरामदायक यहाँ पे है। तो सामने यहाँ पे देख सकते हो हमारा गाड़ी, रात को हमने यहाँ पे पार्क किया था, यहाँ पे दीपंकर, यहाँ पे मेरा गाड़ी, यहाँ पे अतरिश का गाड़ी। तो रात में हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं बंगाली में बोल देता हूँ, सिसिर से यहाँ पे पूरा एकदम पानी पानी हो गया, पूरा गाड़ी भीग चुका है, तो इसको साफ़ सफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। पहुँच के पीछे यहाँ पे बैग लगने वाला है, बैग वगैरह हमने कल खोल लिया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पूरा पानी पानी हो रखा है, मुझे नहीं पता कैमरा में कितना दिख रहा है लेकिन पानी पानी हो रखा है। यहाँ पे आज हमारा बैग लोड होगा, इसको अच्छे से कस के बांधना पड़ेगा क्योंकि 600 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे रास्ता है जो कि हमें कवर अप करना है। और सामने देखो आप, सन काफ़ी ऊपर तक चला गया है, यहाँ पे क्या ही मस्त व्यू लग रहा है। तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेता हूँ और उसके बाद रेडी होके बैग वगैरह पैक करके हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। उसके पहले मस्त गाड़ी की यहाँ पे चाय मिल जाए तो अच्छी बात है, चाय की चुस्की के साथ हमारा जो सफ़र है वहाँ पे स्टार्ट होगा। और ब्रेकफास्ट यहाँ पे जो मेन मार्केट है, कल यहाँ पे हमने किया था, आपको दिखाऊंगा मैं, वहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक दोस्त मिला है हमें, ठीक है, आपसे मिलवाता हूँ, हेलो कर दो। तो कल रात हमारे साथ बात वगैरह भी किया तो बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, अच्छा लगा हमें मिल के। तो चलो अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं। अभी आज हमारा जो होटल का स्टे था वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। टाइम की बात करें टाइम यहाँ पे 10:37 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आज फ्रंट कैम का भी सेटअप लगा दिया है, थोड़ा सा हिलेगा इधर उधर होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अभी जुगाड़ू वाला सेटअप है, इतना प्रोफेशनल सेटअप नहीं है अभी मेरे पास दो कैमरा का, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, अगर अच्छा लगेगा तो डालूँगा। आज का हमारा जो स्टे था आज सुबह आपको दिखाया, तो वहाँ से हम निकल गए अभी आगे। सामने ही एक मार्केट है यहाँ का, जो वहाँ पे हम कल रात को रुके थे, अपना रात का डिनर करे थे वहाँ पे, आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं, सामने एक लेक है यहाँ पे नेतरहाट लेक, तो इसके सामने यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह भी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सोचा एक बार घूम के जाऊँ, जा ही रहा हूँ तो ऑलरेडी, हालाँकि लेट हो ही गया है, हमें रांची पहुँचते पहुँचते 6 घंटे लगेगा यहाँ से, तो 4 बजे के आसपास हम रांची पहुँचेंगे। तो ये है यहाँ का लेक, आप यहाँ पर देख सकते हो नेतरहाट लेक, इसके आगे गाड़ी लेके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, घुमाना भी पड़ेगा, लेकिन क्या सही व्यू है। कल हम इसी रास्ते से आए थे, ये रास्ता अभी आपको दिख रहा है, ठीक है,
तो यहाँ से आके हम अपना होटल में घुसे थे। तो ये टर्न लेने के बाद यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है, मतलब जो ढाबा टाइप का जगह है, बहुत सारे ढाबा है यहाँ पे, वहाँ पे हम कल रात को खाना खाए थे। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं अभी लंच करने के लिए, तो लंच नहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद हम सीधा गायब हो जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। इस जगह पे गए थे हम कल रात, वहीं पे अभी भी जा रहे हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे आज अभी का ब्रेकफास्ट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हमने खाया यहाँ पे मैगी, एक बॉयल एग और चाय वगैरह पिया, ठीक है, बिस्किट वगैरह खाया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ हो चुका है डन। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी 11:15, अभी हम बस हेलमेट पहनेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से, और बाकी मिलते हैं आगे। चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक्स एंजॉय करो यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते। नॉर्मल व्यू, अभी हम आ चुके हैं लगभग होटल से 26 किलोमीटर, सेम ही रास्ते से हम वापसी जा रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लो पहाड़ सारे, यहाँ पे टाटा बाई बाई कर रहे हैं हम पहाड़ को। पूर्णिया को जैसे किया था, सुसुनिया को जैसे किया था, वैसे ही मैं नेतरहाट के पहाड़ को भी यहाँ पे बाई बाई कर रहा हूँ। इतने सारे पहाड़ का जो रेंज आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है एकदम पीछे तक जाता है, वैसे हम उतर के आए हैं अभी फिलहाल के लिए। और अभी ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला हो गया है क्योंकि बहुत दूर है वॉक के कारण। टाइम की बात करें 12:11, जितना जल्दी हो सके हमें किलोमीटर कवर करना है, क्योंकि आज हम जाने वाले इसके बाद दसम फॉल्स, वो देख के जाएंगे सीधा घाट सीला। शाम हो जाएगा पता है, रात भी हो सकता है, लेकिन जितना हो सके उतना अभी राइड करना है, जल्दी से जल्दी किलोमीटर कवर करना है। जल्द के लिए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ डन कर लिया, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी के लिए मैं वॉक कंटिन्यू आगे जाके करता हूँ। प्लेस देखो, ये वाला प्लेस देखो, क्या सही प्लेस है और क्या सही रास्ता है यहाँ पे। यहाँ पे सब हिंदी में लिखा हुआ है, रांची बस दिखा मुझे कितना लिखा हुआ था, 77 समथिंग, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। देख सकते हो दोनों तरफ के यहाँ पे जो है, पाइन का पेड़ तो नहीं है, कोई पेड़ है ये पता नहीं। अद्रिस और दीपंकर आगे है, मैं अभी थोड़ा सा पीछे हूँ, अभी थोड़ी देर में कोशिश करते हैं कैचअप करने की। रास्ता काफ़ी सही है, किलोमीटर की बात करें 80 के आसपास हो गया है, और टाइम है 1:10। तो यहाँ से कोयला सप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हो गाइस, इधर से इधर जा रहा है भरा हुआ, और इधर से इधर खाली वाला जा रहा है। क्या सही चीज़ है, पहली बार देखा खाली वाला इधर जा रहा है। गाइस रास्ते देखो, रास्ते देखो, राइडिंग का तो असली मज़े रास्ते में ही है। वो वाला रास्ता भी सही था, वो हाईवे टाइप का था बहुत, लेकिन बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा पैचेस खराब थे, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये एकदम हाईवे तो नहीं है वैसा, 4 लेन या फिर 6 लेन टाइप का सिंगल लेन रोड है, लेकिन रास्ता काफ़ी सही है, आराम से खींच पा रहे हैं हम। और कभी कभी थोड़ा मोटा छोटा मोटा पैचेस इसमें भी ख़राब निकल के आ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा। और कभी कभी थोड़ा बहुत जैम भी हो रहा है या फिर बसेस वगैरह आ रहा है, लेकिन ओवरऑल रास्ता उससे तो मैं बोलूँगा बेटर ही है। अभी जैसा ये छोटा मोटा पैचेस आया है थोड़ा सा, ये इतना वो नहीं है, तो ही मैं कह रहा था छोटा मोटा पैचेस थोड़ा सा ऐसा मिलेगा, ये वाला रास्ता ओवरऑल बेटर है। और बता दूं मैं लोहोड़ा डांगा से मैंने राइट टर्न नहीं लिया था, सीधा आए थे हम, ठीक है। और आपको लोकेशन दिख भी रहा होगा यहाँ पे ओवरले में और गूगल मैप में भी, ये वाला रास्ता थोड़ा सा घूमना पड़ता है 10-15 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया 10-15 मिनट हम राइडिंग में कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छा रास्ता निकल के आता है तो। लेकिन जैम वाला रास्ता निकल के आएगा तो उसमें कोई गारंटी नहीं होता कि कब तक हम निकल पाएंगे। चेतार ये वाला रास्ता हमने जो लिया था वही वाला रास्ते को हम कंटिन्यू करें, तो ये वाले रास्ते पर हम आ गए हैं अभी। तो यहाँ पे 4 लेन रोड हमें मिल चुका है, बोले तो टोल रोड, काफ़ी सही रोड है, उस तरफ भी हमें मिला था लेकिन बीच बीच में पैचेस खराब थे, लेकिन इसका तो अभी तक के लिए सही दिख रहा है ये वाला रास्ता। थोड़ा सा बीच में रास्ता जो ऐसा था जो इतना छोटा था, नैरो रोड था, लेकिन उसके बाद ये रास्ता ऐसा हो गया, तो काफ़ी सही लग रहा है अभी।
अब यहाँ पे खींच के जा पाएंगे आराम से, देखते हैं। लेकिन मेन बात ये रोड कहाँ तक हमें लेके जाता है, मतलब कहाँ तक ऐसा रोड रहता है वो देखने वाली बात होगा। टाइम की बात करें 1:45 और किलोमीटर की बात करें 110 किलोमीटर हो चुका है हमारा होटल से। अभी भी लगभग 120 के आसपास शायद से बाकी है, कंफर्म नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अभी मैप में रिफ्लेक्शन आ रहा है सूरज का, तो देखते हैं कितना टाइम में पहुँचते हैं भाई। रांची 50 किलोमीटर। तो आज का पहला टोल यहाँ पे इस रास्ते का आ चुका है गाइस, और होटल से आ गए हैं हम 132 किलोमीटर। बीच में रुके थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही ऑयल फिल करने के लिए, तो अभी मैंने ऑयल नहीं फिल किया, दीपंकर और अद्रिस ने किया। तो उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं टोल में, यहाँ पे जैम लगने वाला है, हम तो लेफ्ट साइड से निकल जाएंगे। अभी सीधा सीधा रास्ता है, पता नहीं 9-10 किलोमीटर तक शायद से, उसके बाद राइट टर्न लेना है। मैप मेरा छोटा हो गया अभी पॉपअप में, तो दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो गाइस वो वाले रास्ते से हमने राइट टर्न लिया था, और लेने के बाद ये वाला जो 6 लेन रोड है ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीधा जाऊँगा तो ये सीधा हमें ले जाएगा रांची, फिर रांची से हमें जाना है दसम फॉल्स। तो अभी टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 3:04 और किलोमीटर हो चुका है 156 होटल से हमारा आज का। और लेफ्ट किलोमीटर की बात करें दसम फॉल्स का, वो है यहाँ पे 56 किलोमीटर। अभी भी 1:02 का यहाँ पे ETA है, देखते हैं हम कितने टाइम में पहुँचते हैं। सूरज यहाँ पे राइट साइड में ऊपर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं आसमान में, इसलिए थोड़ा सा क्लाउडी सिचुएशन है अभी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रांची में भी ऐसे 6 लेन रोड है, तो जहाँ से हमने राइट टर्न लिया मैंने आपको बोला वहाँ से ये वाला रोड है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और अभी भी ये वाला रोड ही चल रहा है। तो नितरहट से हमारा जो रांची तक का सफ़र था काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोड हमें मिला है, मैं ये बोलूँगा। बस यहाँ पे बीच बीच में जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, और थोड़ा सा जो यहाँ पे लोकल बंदे वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो अभी हम रांची एंटर करने वाले हैं गाइस, आप देख सकते हो पूरा 6 लेन रोड बहुत देर तक हमें यहाँ पे चल रहा है, लगभग 20 किलोमीटर में बोलूँगा कि ये वाला रोड साइज से है, 20 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है साइज से, ये देखना पड़ेगा वो। तो ये वाला पैच बहुत सही है, मतलब ये वाला रोड बहुत सही है, इससे पहले भी 4 लेन था लेकिन वो थोड़ा सा लोकल से जाता हुआ दिखता था हमें। और ये वाला जो रास्ता है ये पूरा वैसे हाईवे टाइप का ही रास्ता है, मतलब हाईवे ही है ये साइज से। ये जो रास्ता है ये बिना रांची में घुस के ही बाईपास करके हमें बाहर निकाल देगा, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। जैसा जैसा गूगल मैप बोल रहे हैं हम वैसे वैसे जा रहे हैं बस। लेकिन ये वाला रोड मज़ा आ गया, अब तक का J2 से आज तक जितना भी सफ़र किया है उनमें से बेस्ट रोड मैं इसको बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ हाईवे। गाइस उस रोड से हमने यहाँ पे राइट टर्न ले लिया है, और राइट टर्न लेने के बाद ये वाला रास्ता आ गया है। अगर आपको याद नहीं है तो इसी वाले रास्ते से एक्चुअली में हम आए थे, अब इसी वाले रास्ते से ही वापसी आ रहे हैं, वहाँ से जस्ट राइट टर्न लेना पड़ा। अब ये वाला रास्ता लेके जाता है हमारा दसम फॉल्स और सीधा कोलकाता। तो 6 लेन रोड वहाँ पे ख़त्म हो गया, आज ही हमारा डेस्टिनेशन घाटशिला जाने का है। टाइम की बात करें 3:30 बज रहा है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाला है, क्लाउडी हो चुका है तो सूरज छुप चुका है। तो अभी तीनों राइडर्स एक साथ ग्रुप हो चुके हैं, अद्रिस, दीपंकर और मैं, बीच में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे, अब वापसी इस मोड से ग्रुप हो गए हैं। अच्छे यहाँ पे जो हाथ हिलाते हुए हमें देखने के बाद, बहुत सही रास्ता है, बहुत सही रास्ता है, ऐसा रास्ता पकड़ के आए हम कि हमें कुछ दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ा। अगर वो वाला रोड हम नहीं पकड़ते तो हमें लोकल के अंदर से झारखंड के अंदर से आना पड़ता, लेकिन हमने जो रोड पकड़ा वो एकदम जो है मेन हाईवे था, हाईवे से ही हाईवे को कनेक्ट कर दिया था। ये वाला रास्ता भी बन रहा है, पीछे वाला जो मोड़ है शायद से मैंने देव 1 पे दिखाया था, पर आपने देखा है तो आओ या बेबी मज़ा आ गया। मुझे लगा था कि लोकल वोकल में घुसा देगा, पता नहीं कैसा क्या रास्ता होगा, लेकिन जो रास्ता मिल गया ना और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे भी यही रोड है, बीच बीच में थोड़ा सा पैचेस ख़राब है, वो तो होता ही रहता है, काम वगैरह चल रहा इसलिए, लेकिन बस हो गया। लोकल में थोड़ा सा ही मिलेगा दसम फॉल्स जब हम घुसेंगे उस टाइम पे, अदरवाइज एकदम सुपर फाड़ू रोड है यहाँ पे। 8.8 किलोमीटर से हमें यहाँ पे राइट टर्न लेना है,
कसम पॉज करिए। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे दसम वाटरफॉल्स पे। हम यहाँ पे आए थे थोड़ी देर पहले लगभग 4 बजे के आसपास, लेकिन मेरा गोप्रो यहाँ पे बंद हो गया था हाईवे में भी। लास्ट जहाँ पे अपने शॉर्ट्स देखा उसके बाद पूरा हैंग हो गया था, कुछ काम नहीं कर रहा था। और पीछे देख सकते हो ये झरना कितना ज्यादा फ्लो है इसका। हम कल गए थे लोद वाटरफॉल्स पे, वो काफी ऊंचा था लेकिन इतना फ्लो मुझे देखने के लिए नहीं मिला था। इसका जो फ्लो है ये सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि अभी के लिए सबसे ज्यादा फ्लो इसका है। तो ऊपर से गिर रहा है, मैंने ऊपर से भी शॉर्ट किया था, नीचे से भी कुछ सिनेमैटिक्स किया। उम्मीद है आपको देख के अच्छा लगा होगा। अभी थोड़ा सा डीआर व्यू दिखाता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो ये देखो गाइस, सामने से आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से आ रहा है झरना, ठीक है। ऊपर भी जाने का रास्ता है लेकिन हम इस तरह से आ गए, तो यहाँ पे हम नीचे आ गए और नीचे यहाँ पे गिर रहा है और इसके बाद यहाँ से जाके पूरा ये जो झरना है उस तरफ जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक लेक टाइप का बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे पानी जमा हो रहा है लेकिन क्या फ्लो है इसका, बहुत सही फ्लो है। तो इस तरफ से हम आए थे, ऊपर से आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ है, ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं है बाकी फॉल्स के मुकाबले, लेकिन 120 के आसपास सीढ़ियाँ है यहाँ। अभी यहाँ पे फोटोज वगैरह कुछ क्लिक करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। A few moments later, टाइम की बात करें 6 बज रहा है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं दसम फॉल्स से। और रास्ते की बात करें यहाँ पे दिखा रहा है अभी 3 घंटे, ठीक है, 149 किलोमीटर, मोटा मोटा 150, 10 किलोमीटर रास्ता। ये जो अंदर वाला है ये काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है क्योंकि ये मेन हाईवे से हमें पीछे आना, मतलब अंदर आना पड़ा था, अब ये बाहर भी जाना पड़ रहा है। और ये वाला रास्ता तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में आपको नहीं दिखाया था उस टाइम पे क्योंकि मेरा गोप्रो बंद हो गया था। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह फैला हुआ है तो गाड़ी का जो चक्का है वो स्कीड हो सकता है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रेत है और इसके साथ साथ स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लो स्लो जाना पड़ेगा। एक बार हाईवे में आ जाए तो उसके बाद हम सही से जा पाएंगे, लेकिन रात का टाइम है, हाईवे का कंडीशन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं था, कुछ कुछ पैचेस खराब थे जिस दिन हम आए थे उस दिन ही हमने देखा था। ओवरऑल देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। 3 घंटा मोटा मोटा 9 बजे तक हम पहुँचेंगे होटल में, बाकी होटल हमारा बुक है, ठीक है। तो चलो आगे मिलते हैं। टोल यहाँ पे आ चुका है, पहला टोल आपको दिखाया था, ये सेकेंड टोल है। गाइस धीरे धीरे हम घर की तरफ लौट रहे हैं, हालांकि आज तो घर जाएंगे नहीं लेकिन मेन जो जहां पे हमारा ट्रिप था झारखंड में, तेतरहाट रांची सारे एरिया जितने हो सके हमसे हमने कवर कर लिया, आपको ब्लॉग में दिखा दिया। अभी हम जा रहे हैं घाटशिला, उसके पहले आएगा जमशेदपुर मेन सिटी। तो कल 6 घंटे के अंदर हम वहाँ से 6-7 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। अभी किलोमीटर की बात करें तो 120 किलोमीटर अभी भी बाकी है, मिनिमम 2 घंटे तो लगेगा, 2 घंटा 14 मिनट ऐसे ही गूगल मैप में बता रहा है। और मुझे अपने बाइक का फ्यूल अप भी कराना है, एक डंडी आ चुका है। मैं 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि फ्यूल का वो दिखाऊंगा कितना माइलेज आ रहा है, मैंने नोटिस भी करके रखा है, मतलब नोट करके रखा है। मैं सोच रहा हूँ एक बार ही घर जाके दिखाऊंगा ओवरऑल ट्रिप का, अभी एक एक दिन का दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो एकदम लास्ट ब्लॉग में दिखा दूंगा जितने मैंने फुल टैंक्स किया उसके हिसाब से मेरे विस्टम में कितना माइलेज आया है निकाल के। अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता आ चुके हैं गाइस, ये आज का 3rd टोल है। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने फ्यूल अप कर लिया था बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं बीच में मैं रुका था फ्यूल अप करवाने के लिए थोड़ी देर पहले ही, 280 पे फ्यूल अप करा है 20 किलोमीटर पहले। और अभी तक हम जो है 302 किलोमीटर टोटल अभी तक हमने बाइक को चलाया है, ठीक है। और अभी भी 60 किलोमीटर के आसपास लेफ्ट है, 1 घंटे 5 मिनट का ETA है। तो लगभग 8:30 बजे के आसपास हम होटल पहुंच जाएंगे। होटल जो है वो हाईवे के बिल्कुल सामने ही है इतना हमने देखा है, लेकिन इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स आ गया है। पिछले वाले जो रास्ता था उसमें, मतलब ये टोल से पहले का, इतना ज़्यादा ट्रक्स नहीं था, उसमें भी ट्रक्स था लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रक्स जा रहा है। ये तो लेन स्विच कर रहा है विदाउट इंडिकेटर कुछ भी देखे साइड में जा रहा है। फाइनली हम जो यहाँ पे जमशेदपुर का सिटी इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है जमशेदपुर का मेन सिटी जो हम उस दिन भी आए थे, आपको पता होगा उसी दिन हम यहीं से गए थे और इससे पहले थोड़ा सा हमने लंच किया था दोपहर का। मेन हाईवे पूरा सिटी के ऊपर से जाता है जमशेदपुर का। कुकुर, हम सुन टोटो कुकुर चले से सामने हट करे, और ये बार बार साला मैप मिनिमाइज हो जाता है। और अच्छा हां बोल, 30 किलोमीटर चली नहीं, कत मिनट 30 किलोमीटर ही আছে यार, 30 ही আছে, 30 আছে তো, আর 20 কিলোমিটার চালিয়ে দি, 10 কিলোমিটার আগে আমরা দাঁড়িয়ে ট্রাফে ঢুকে যাবো একবার, এখানে চল না বলো স্যার, এখানে কাজ না একবার হোটেল সামনে গিয়ে চল, বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না তাহলে। 37 কিলোমিটার 37 মিনিট রিমেইনিং, চল ওয়েট করে যাস,
এই জামশেদপুরটা ক্রস করে গেলে রাস্তাটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। अदृश्य के सामने कुत्ता आ गया था अचानक से, बहुत मुश्किल से उसने रुका है बाइक को, ऐसा बोल रहा था। अब मैं तो नहीं दिखा क्योंकि वो पीछे था एकदम, तो इसलिए हम थोड़ा सा रुके थे। और ये अभी जमशेदपुर का मेन सिटी है, ठीक है, जिसके ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। 37 किलोमीटर बाकी है और 36 मिनट दिखा रहा है रिमेनिंग। तो एक और टोल गेट यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो टोल गेट 1 किलोमीटर पे। तो ये आज का लास्ट टोल होगा, ठीक है, इसके बाद तो हम पहुंच ही जाएंगे, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के आसपास ही है। ये लेफ्ट हैंड पूरा एकदम ओके है, पूरा काम कर रहा है, राइट हैंड में क्यों ना थ्रॉटल पकड़ने की वजह से पूरा सुन हो गया पूरा। घर से जैसा थोड़ा सा हम पहले रुक रहे हैं, जो होटल है वो घर से जैसा थोड़ा सा पहले है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कटसिला पे ही है। तो वहाँ से कटसिला लगभग 5-6 किलोमीटर होगा अगर प्रॉपर शहर की बात करें तो। जल्दी से कवर अप करते हैं, मतलब मेरे से वो नहीं हो रहा, अभी रहा नहीं जा रहा कि जल्दी जल्दी भाई होटल आ जाए और मैं भाई बाइक को छोड़ के थोड़ा सा गर्म जगह पे कहीं पे बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पैरों में जो वो हो रहा है ना, ठंड लग रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है पैरों पर, हाथ बात अब तो बाएँ हाथ भी सुन हो गया, पहले से ये दाएँ हाथ सुन हुआ था, अब बाएँ हाथ भी सुन हो गया। तो भाई बहुत ही वो सीन है, क्योंकि देखो पॉक देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेस्टोरेंट का जो वो है, मतलब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर पूरा, मतलब भस रहा है चीज़ें पूरा। ये देखो आपको अच्छे से दिखेगा। अब पता नहीं कैमरा में कितना देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहा, मेरे को अपनी आँखों से पूरा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बादलों के अंदर से जा रहा हूँ, मतलब ऐसे जा रहा है हमारे ऊपर से। हालाँकि इससे फॉग नहीं है, धूल भी है, दोनों का मिक्स है, अभी थोड़ा सा कम हो गया, तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी एकदम, 4 किलोमीटर 4 मिनट हम एवरेज के हिसाब से, जैसा गूगल मैप दिखा रहा है, हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर है शायद से। हाँ, 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम जा रहे हैं, हमारा एवरेज काफ़ी अच्छा है। अभी हम पहुंच चुके हैं होटल, मेरा गोप्रो ऑन होते होते फिर से हैंग हो गया, मैं दिखा नहीं पाया। तो अभी किलोमीटर की बात करें, 362 हुआ है आज टोटल 363 मान लो चला है मैंने, और कल का चांदनी दिखाऊंगा आगे होटल में जाके, आपसे मिलते हैं। हाँ थोड़ा सा फ्रेश हो रहा हूँ भाई, हो लेता हूँ, अरे दिखा दे यार थोड़ा सा, और होटल देख लो, अभी के लिए ये है होटल, यहाँ पे अभी हम आज रात को स्टे करेंगे। अभी जाके फ्रेश व्रेश होता हूँ, हाथ बात पूरा सुन हो गया, मेरा पैर भी सुन हो गया आपको जैसे बता रहा था, तो चलो आगे मिलते हैं, अभी के लिए भाई। और अभी हमें चूल्हे घर जाने की, सही बता रहा हूँ, दीपंकर का जो चक्का है वो पंचर हो चुका है पीछे वाला चक्का को।